आगे मैं आपको राग भोपाली बता रहा हूं। इसमें मेरी भूल चुके कारण जो अंतरा उठाया गया है वो तो सम से उठाया गया है, वो जो ठीक नहीं है। तो अंतरे का उठान जो है वो खाली से होगा, जैसे स सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा पा गा गा पा पा धा सा रे सा सा धा पा सा पा पा धा पा गा रे सा गा पा दा सा सा धा सा सा पा गा 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 पा पा सा रे रे गा पा धा सा धा पा सा धा पा गा रे सा सा धा पा गा रे सा रे गा। गत लिखते समय आप भूल का सुधार कर लें तो धन्यवाद। जय माता। जय हिंद, जय भारत, माँ जगदम्बे की जय। नवरात्रे सबको मुबारक हो। आज मैं आपको राग भोपाली के बारे में बताना चाहता हूं। राग भोपाली औरव जाति का राग है। इसमें मध्यम और निषाद को वर्जित करके 5 सुर लगाए जाते हैं। और मध्यम वर्जित होने के कारण महते कहते हैं ये कल्याण ठाट का अंतर्गत है, लेकिन जब मध्यम और निषाद वर्जित हो गया तो बाकी तो बिलावल के सुर रहेंगे, तो उचित होगा कि बिलावल ठाट में माना जाए। खैर, बड़े लोगों की बातें हैं तो शिरोधारी है। तो इसमें इस तरह रूबरू है इसका। हाँ, तो गायन समय रात्रि का मध्य पहर है और इसका वादी गंधार है और संवादी धैवत है, यानी कि गंधार स्वर मुख्य है ये राजा। इस पर सारा ध्यान गंधार पर जाता है, राग बजाते हैं। और ये यानी कि पूर्वांग प्रधान राग है। इसमें अरोग रोष प्रकार होगा। और राग का मुख्य अंग यानी कि पकड़ तो ऐसे है। इससे मिलता जुलता एक राग है, वो है देशकार। देशकार और भोपाली के सुर बिल्कुल एक जैसे हैं, बस फर्क ये है कि ये उत्तरांग प्रधान राग है, अतः यानी कि सप्तक के उत्तरांग में इसका ज्यादा जोर देने से ये राग स्पष्ट हो जाता है। इसके विपरीत भोपाली का गा भादी है और धेवत संवादी, देशकार में धेवतवादी है और गा संवादी उल्टा है, यानी के धा पर ज्यादा जोर देने से उत्तरांग में तो इस राग का स्पष्ट हो जाता है। परंतु एक बात है कि भोपाली बजाने के बाद देशकार बजाना तो कोई गुणी जन ही होगा, काफी अभ्यासी होगा और काफी रागों में बजाने वाला होगा, तो वो ही ये काम कर सकता है। आमतौर पर ये बड़ा मुश्किल है
भोपाली के बाद देश काल बजाना और देश काल के बाद भोपाली बजाना। तो आज मैं आपको भोपाली में रजा खानी गाकर बता रहा हूँ। तो ये गत मैंने शुरू शुरू में अपने शुरू के वक्त में जैसे सितार सीखना शुरू किया था उस वक्त गुरुजनों से ये गत मैंने प्राप्त की है। ऐसे है कि इसका बोल खाली से शुरू होता है, खाली से शाम तक बोल है और बाकी जैसे ये इसका बोल हुआ खाली से नौमी मात्रा से। सा 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 दा पा गा रे रे सा रे गा पा गा धा पा पा गा फिर देखिए सा 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 दा पा गा रे रे सा रे सा सा दा पा गा रे रे सा रे गा पा गा धा पा पा गा। अब दूसरी लाइन गा पा पा धा सा रे सा सा दा पा सा पा पा धा पा गा रे रे सा। ये आ गया सम स स स द प ग रे रे स रे ग प ग ध ब ब ग ग ब ब ध स रे स स द प स ब ब द ब ग रे रे स। ये हो गया सिसाई और अंदर सिसाई और सारी माफ कीजिए ये हो गया राग का सिसाई। अब अंतरे की बारी है तो अंतरा भी देख लीजिए ग प ध स स स ग स स स स प ध ग ग ग ग प ध स रे रे ग प कर सकते हैं लोड करके दो तीन चार दफा सुनने के बाद आपको ये हाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अब देखेंगे कि इसकी सजावट कैसे की जाए। गत की तो सजावट है वो भी बड़ा जरूरी है, यानी कि वो रटाटा वैसे बजाते रहो सारी उम्र तो बात नहीं। तो चलो देखिए अब देखिए